जय हिंद, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं बिंग लर्निंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पास्कल्स लॉ को समझते हैं कि ये क्या कहता है और उसके डेरिवेशन को समझेंगे। तो पास्कल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ स्टैटिक लिक्विड या फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मीन्स अगर हम एक लिक्विड लें, अगर ये रेस्ट पे है, ये लिक्विड अगर रेस्ट पे है तो इस पे जो प्रेशर पड़ रहा है, मीन्स प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, प्रेशर इन वाई डायरेक्शन और प्रेशर इन जेड डायरेक्शन, ये फ्लूइड एलिमेंट पे जो तीन प्रेशर पड़ रहा है इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है, एग्जाम में हम इसका प्रूफ पूछता है, डेरिवेशन पूछता है, ठीक है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये एक फ्लूइड एलिमेंट है जिसका एक ये कॉर्नर ए है, ये बी है और ये सी है। ये वाई डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है और ये जेड डायरेक्शन है। ये फ्लूइड एलिमेंट है, रेस्ट पे है। ये जो एसी फेस है इसका लेंथ हम डी एक्स ले लेते हैं। ए बी जो फेस है इसका लेंथ हम क्या ले लेते हैं, डी वाई। और जो बी सी फेस है इसका लेंथ हम ले लेते हैं डी एस, ठीक है। जो ए सी फेस है इस पर जो प्रेशर लगेगा इन वाई डायरेक्शन में लगेगा, तो प्रेशर क्या होगा इसका, पी वाई। जो ए बी फेस है इस पर जो प्रेशर लगेगा वो एक्स डायरेक्शन में लगेगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पी एक्स। ये जो डी एस है, ये जो बी बी सी फेस है इस पे जो प्रेशर लगेगा ये जेड डायरेक्शन में लगेगा, जेड डायरेक्शन में, तो इस पे प्रेशर क्या हो जाएगा, पी जेड, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें पता है एज वी नो डैट प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो हम ये जो प्रेशर लग रहा है पी वाई फेस एसी पे, अगर हम एसी फेस पे फोर्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर पी वाई इंटू एरिया मीन्स डी एस इंटू, इसका विर्थ हम वन ले रहे हैं यूनिट, तो पी वाई इंटू डी एस इंटू वन, ये क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स हो जाएगा ऑन फेस एसी, ठीक है। सिमिलरली इस फेस पे, ए बी फेस पे फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन फेस ए बी क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर क्या है, पी एक्स इंटू एरिया क्या हो जाएगा, डी वाई, इसका भी विर्थ हम लोग क्या ले रहे हैं, इंटू वन यूनिट, ठीक है। अब हम फोर्स फाइंड करें बी सी फेस पे, तो फोर्स ऑन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर पी जेड इंटू एरिया डी एस इंटू वन, इसका भी विर्थ वन है, ठीक है। हमने प्रेशर फाइंड कर लिया और फोर्स ऑन द ईच फेस फाइंड कर लिया, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूं, ए बी सी ये है आपका थीटा, एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा डिग्री, इसका हम यूज बाद में करेंगे, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। हमने हर एक फेस पे प्रेशर जो फाइंड किया, पी एक्स कहाँ है, पी एक्स ये है ऑन फेस ए बी, ऑन फेस ए बी पी वाई, ये प्रेशर पी वाई है, प्रेशर एक्टिंग ऑन फेस ए सी, ये फेस ए सी है, इस पे जो प्रेशर लग रहा है पी वाई, पी जेड प्रेशर एक्टिंग ऑन फेस बी सी, ये बी सी है, इस पे प्रेशर कितना लग रहा है, पी जेड, ठीक है। और सिमिलरली हमने हर एक फेस पे फोर्स फाइंड कर लिया, फोर्स ऑन ए बी इक्वल टू पी एक्स इंटू डी वाई इंटू वन, ये ए बी फेस है आपका, ए बी फेस है, इस पे प्रेशर कितना लग रहा है, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू वन, फोर्स ऑन ए सी, ये ए सी फेस है, इस पे प्रेशर लग रहा है पी वाई डी एस इंटू वन, पी वाई इंटू डी ए, डी एस नहीं होगा, डी एक्स होगा, डी एक्स इंटू वन, और फोर्स ऑन बी सी इक्वल टू पी जेड इंटू डी एस इंटू वन, ठीक है। तो प्रेशर और फोर्स हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो एलिमेंट है इसका तो वेट होगा ना, कुछ वेट किधर होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड, इसका वेट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड, वेट ऑफ
एलिमेंट, ये टुवर्ड्स ग्रेविटी है। देखिए ये जो वेट है, ये जो वेट लग रहा है किधर, टुवर्ड्स ग्रेविटी लग रहा है, तो वेट क्या हो जाएगा, डब्लू इक्वल टू एम जी, और डेल्टा डेंसिटी इक्वल टू एम बाई वी फॉर्मूला होता है एक, आपको पता होगा। तो यहाँ से वेट क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर जो डेल्टा इज इक्वल टू एम बाई वी होता है, तो एम इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी, तो एम इक्वल टू डेल्टा वी होगा, तो हम यहाँ पे डेल्टा वी इंटू जी कर दे रहे हैं। वेट क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा वी इंटू जी। अब देखिए डेल्टा इंटू वी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, एरिया इंटू विड्थ, ठीक है, इंटू जी। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा एरिया क्या है, एरिया इस, ये जो एलिमेंट है इसका एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल फॉर्म में है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस ए सी इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट मीन्स हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है इसका, बेस ए सी है और हाइट क्या है ए बी, हाफ इंटू बेस ए सी इंटू हाइट ए बी, विड्थ क्या है इंटू वन इंटू जी, ठीक है। अब देखिए डेल्टा इंटू हाफ ऑफ ए सी क्या है, देखिए यहाँ पर जो ए सी है ये लेंथ हमने क्या लिया था, डी एक्स लिया था, और जो ए बी लेंथ हमने क्या लिया था, डी वाई लिया था, तो यहाँ पर रख देंगे, ए सी क्या लिया था हमने, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू वन करेंगे तो वैल्यू वहीं रहेगा, तो इंटू हम जी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा दो काम पूरा हो गया, मतलब एक स्टेप में ये हुआ और दूसरा स्टेप में ये हुआ, ठीक है। अब हम तीसरा स्टेप देखते हैं, देखिए ए ए बी सी ये क्या है, ट्रेंगल है और ये थीटा है, अगर हमें कॉस थीटा फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू ए बी सी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ये कॉस थीटा होगा, साइन थीटा क्या होगा, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसको समझ रहे होंगे शायद। तो अगर हम लिख दें कंसीडर ए बी सी इज अ ट्रेंगल, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा ए बी बाई बी सी है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी कॉस थीटा, ओके। ए बी का क्या है, ए बी का लेंथ क्या है, ये है आपका ए बी, ए और बी, ए बी का लेंथ क्या है डी वाई, और बी सी का लेंथ क्या है डी एस, तो बस हम वहीं लिख देंगे यहाँ पे, ए बी क्या है डी वाई इक्वल टू बी सी क्या है डी एस इंटू कॉस थीटा, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी ए सी इक्वल टू बी सी साइन थीटा, ए सी क्या है आपका डी एक्स है, ए सी देखिए ये ए सी है ना, ये फेस ए सी का लेंथ हमने क्या लिया डी एक्स लिया था, डी एक्स इक्वल टू बी सी, बी सी क्या है डी एस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सिंपल है यहाँ तक, ये हमारा थर्ड स्टेप पूरा हो गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, रिजोल्विंग फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स को रिजोल्व करेंगे, ओके। इससे पहले एक काम हम और कर लेंगे, देखिए
ये जो पी जेड प्रेशर है ये एक थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा, थीटा एंगल पे कर रहा। ये इस तरफ होगा इनवर्ड। ओके, तो इस प्रेशर को हम पहले रिजोल्व कर लेंगे, इस प्रेशर को हम रिजोल्व कर लेंगे। ये थीटा है तो इस पे क्या हो जाएगा, इन एक्स डायरेक्शन पी जे कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा पी जे साइन थीटा। इस प्रेशर को हमने क्या किया, रिजोल्व कर लिया। अब देखिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, रिजोल्विंग फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। हमने यहाँ पे फोर्स को रिजोल्व करना है, लेकिन हम यहाँ पे प्रेशर को क्या किए, रिजोल्व किए। प्रेशर को भी यहाँ पे हम रिजोल्व किए ना, तो जब फोर्स को हमें रिजोल्व करना होगा तो हम प्रेशर में क्या करेंगे, एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया ना, ये प्रेशर को हमने रिजोल्व किया ना, तो फोर्स जब हम यहाँ पे हमको रिजोल्व करना है, यहाँ पे हमने लिखा कि रिजोल्विंग फोर्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो प्रेशर है इसमें हम एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, पी जे साइन थीटा इंटू डी एस इंटू वन, तो डी एस लिख दे रहा हूँ। और इसमें पी जे कॉस थीटा, इसमें अगर हम एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी जे कॉस थीटा इंटू डी एस। तो एक हमारा रिक्वायर्ड कंपोनेंट ये हो गया और एक रिक्वायर्ड कंपोनेंट ये हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, मेन फोर्स को रिजोल्व करेंगे इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। देखिए हम सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं, इन एक्स डायरेक्शन। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, एक ये फोर्स है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एक ये फोर्स है एक्स डायरेक्शन में और एक ये फोर्स है। ठीक है, देखिए और एक और चीज़, जो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा पॉजिटिव, इस तरफ होगा नेगेटिव, इस तरफ होगा पॉजिटिव, इस तरफ होगा नेगेटिव, तो ये जो फोर्स है इसके डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, इस तरफ है, तो ये पॉजिटिव के साथ आएगा। इस फोर्स जो है ये फोर्स पी जेड कॉस थीटा डी एस, इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, तो इस तरफ के लिए माइनस आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, फोर्स को रिजोल्व कर देंगे इन एक्स डायरेक्शन। तो हमने एक डायरेक्शन में इसको रिजोल्व कर लिया, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू वन, माइनस माइनस हमने इसलिए लिखा क्योंकि एक हमारा फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, पी जे कॉस थीटा डी एस, इसलिए हमने माइनस पी जे कॉस थीटा इंटू डी एस इक्वल टू जीरो। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पी एक्स डी वाई इक्वल टू पी जे कॉस थीटा डी एस, ये पी जे कॉस थीटा डी एस ये इस तरफ चल जाएगा, राइट हैंड साइड चल जाएगा। तो यहाँ से पी एक्स डी वाई इक्वल टू पी जेड डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा क्या है, डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा ये क्या है, डी वाई है, तो डी एस कॉस थीटा को क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम डी वाई लिख देंगे। ओके, तो ये डी वाई कैंसिल हो गया, तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, पी जेड, एक इक्वेशन ये हो गया। अब देखिए अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, अब हमें वाई डायरेक्शन में रिजोल्व करना है, वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं। देखिए एक फोर्स तो ये है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस होगा, एक फोर्स ये है, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस होगा, और एक फोर्स आपका वेट है, वेट नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए माइनस होगा। तो वेट का हमने इक्वेशन यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे वेट, तो ये वाला लिखेंगे। एक्चुअली वेट हम नहीं लिखते हैं क्योंकि क्योंकि ये वेट निग्लिजिबल होता है, ठीक है, इसलिए हमने वेट को क्या मान लिया, जीरो मान लिया, वेट को जीरो मान लिया, वेट निग्लिजिबल होता है इसलिए वेट को नहीं लिखते हैं। तो हम सिर्फ दो ही चीज़ लिखेंगे जब हम रिजोल्व करेंगे, तो सिर्फ ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो एक हो जाएगा पी वाई डी एक्स इंटू वन माइनस पी जेड साइन थीटा डी एस इंटू वन, ठीक है, इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम है इसीलिए इक्वल टू जीरो। तो पी वाई इंटू डी एक्स और ये वाला को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा पी जेड इंटू डी एक्स, डी एक्स इसलिए होगा क्योंकि साइन थीटा इंटू डी एस, साइन थीटा इंटू डी एस क्या है,
dx है, तो इसलिए हमने यहाँ पे dx लिख दिया। ये dx कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, py वाई इक्वल टू पी जेड, पी वाई इक्वल टू पी जेड। ठीक है, ये इक्वेशन हमने दो ले लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।